हेलो गाइस, वेलकम टू हिमाचल ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे सिरमौर सत्याग्रह। सिरमौर में एक सिरमौर सत्याग्रह है और दूसरा है पजौता मूवमेंट, जिसको पजौता आंदोलन भी कहा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिरमौर सत्याग्रह। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा हिमाचल प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, और इसकी पूरी जानकारी रहेगी हिंदी और इंग्लिश में। और इसी तरह की जानकारी के लिए हिमाचल ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। तो आइए हम जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। 1920 के दशक के बाद सिरमौर में राजनीतिक जागृति का उत्थान शुरू हो गया था। इसके नेता चौधरी शेरजंग ने पंजाब में हुए क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रभावित होकर एक गुप्त संगठन का गठन किया। इसी के चलते 1939 में सिरमौर प्रजा मंडल का गठन किया गया। इसके प्रमुख नेता श्री चौधरी शेरजंग, शिवानंद रमौल, देवेंद्र सिंह, नहर सिंह, नगेंद्र सिंह और हरीश चंद्र थे। हालांकि कुछ समय पश्चात ये संगठन अति लोकप्रिय हो गया। इस संगठन ने राजा और राणा तथा ब्रिटिश सरकार के कुशासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। ये बात सरकार को हजम नहीं हो रही थी। इस संगठन को ख़त्म करने के लिए सरकार ने प्रजा मंडल के कार्यकर्ताओं के ऊपर दो मनगढ़ंत आरोप लगा दिए। ये आरोप निम्नलिखित हैं: राजा को मारने की साजिश रचना और राजा के कत्ल के इरादे से उस पर पत्थर फेंकना। जिन कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाए गए उनके नाम थे सर्वश्री देवेंद्र सिंह, हरीश चंद्र, नहर सिंह और जगवंदन सिंह। सत्र न्यायाधीश उस टाइम के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने षड्यंत्र मामले में अभियुक्तों को मुक्त कर दिया। इस निर्णय से नाराज होकर प्राधिकारिकों ने यह मामला विशेष ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया, जिसमें अभियुक्तों के आरोप साबित कर दिए गए। सत्याग्रह को दबाने के लिए जेहलम में पुलिस तैनात की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के आधार पर इस संगठन ने भी पजौता आंदोलन शुरू कर दिया। इसे अक्टूबर 1942 में समूचे सिरमौर ने शुरू कर दिया। इसके मुखिया नेता श्री सूरज सिंह बैद और उनकी पत्नी सुनहरी देवी, माथाराम और उनकी पत्नी आत्मा देवी, दयाराम, सीताराम शर्मा और शिवानंद रमौल आदि थे। 1944 में सिरमौरी एसोसिएशन और सिरमौरी रियासी प्रजा मंडल की स्थापना करके आम जनता के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष की राह तैयार की थी। 1948 में सिरमौर का हिमाचल प्रदेश में विलय करके समस्या का समाधान किया गया। तो ये थी पूरी जानकारी सिरमौर सत्याग्रह से। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।